फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, वो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेने जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ जो आज मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए इस कोर्स में जाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि ये जो ग्रेजुएशन होने जा रही है ना, ये जो सिस्टम अब जो नया बन के आया है पढ़ाने का, एग्जाम लेने का और रिजल्ट का, ये पहले वाली जो भी ग्रेजुएशन होती थी ना, उनसे टोटली डिफरेंट है। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है हर एक स्टूडेंट का। क्योंकि ग्रेजुएशन जब आप करने जाते हो ना, हर स्टूडेंट्स को हर एक लेवल पे एक अलग किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी अलग अलग होते हैं, और आपको इधर उधर भटकना पड़े यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में, आपको हर सोल्यूशन और हर प्रॉब्लम यहां से मिल जाए। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर लीजिए, स्पेशली जो आप अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है आपका एडमिशन प्रोसेस और दूसरा पार्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके थ्रू ये आपका कोर्स होने जा रहा है पहली बार। एडमिशन प्रोसेस जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दी है, नोटिफिकेशंस आ गई हैं, सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी है, आप उस कॉलेज में चली जाइए। कुछ कॉलेज ऑनलाइन फिल कर रहे हैं फॉर्म, कुछ कॉलेज ऑफलाइन कर रहे हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ले रही है, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर कुछ कॉलेज ऑनलाइन में जो ऑफलाइन ले रहे हैं, वो आपको जो अपने एरिया में अपने नियर जो सबसे अच्छा कॉलेज लगता है आपने वहाँ पे एडमिशन लेनी है। और मेरा ख्याल है कि इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, बट यही कहूँगा कि आप पहले जो आप कोर्स करना चाहते हो उस कोर्स की जो सब्जेक्ट्स हैं क्या आपके कॉलेज में अवेलेबल हैं, जहाँ उस कॉलेज की जो फिजिबिलिटी है, लोकेशन है, वो आपके लिए इजी है या नहीं, पहले इसको देख लीजिए फिर जाकर एडमिशन ले लीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत भी नहीं है। बीए बीएससी बीकॉम जो करना है पहले वो डिसाइड कर लीजिए, जो आपने 12th में किया है जो आपके लिए इजी रहेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस अब होने जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में एक नई पॉलिसी लाई थी जो एजुकेशन सिस्टम को बदलने की पॉलिसी। इस पॉलिसी में ज्यादा फोकस स्किल पे दिया गया। पहले कॉलेजेस में क्या होता था, सब्जेक्ट होते थे, एक आप कोर्स देते थे, 4 सब्जेक्ट होते थे, जैसे इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3ों साल 6 सेमेस्टर यही पढ़ो और पढ़ के डिग्री लो, चलते थे। पर प्रैक्टिकली स्किल आपने कहाँ सीखा? कोई बच्चा है वो कोई स्किल का कोर्स करना चाहता, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना चाहता है, वेल्डिंग का कोर्स करना चाहता है, टेलरिंग का कोर्स करना चाहता है, वो कहाँ सिखाते हैं कॉलेजेस? वो तो स्किल से सीखेंगे ना, पढ़ के थोड़ी सीखेंगे। किसी ने ब्यूटी पार्लर बनना हो तो उसकी कोई बुक्स थोड़ी होंगी, वो तो प्रैक्टिकली है ना। जब तो प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तो आपको आएगा था? और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ग्रेजुएशन कर जाएंगे तो आपको जॉब मिलेगी मिलेगी? तो स्किल वाला पार्ट बिल्कुल लागू होता था, लेकिन जो अब नया प्रोसेस आया है ना, इसमें स्किल के कोर्स भी इंक्लूड है। आप पढ़ाई के साथ साथ स्किल का कोर्स भी करोगे, जो आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, म्यूजिक में जाना चाहते हैं, ब्यूटिफिकेशन में जाना चाहते हो आप, टेलरिंग में जाना चाहते हैं, जो फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं आपको वो कोर्स करने को मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ, ताकि एक तरफ अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लगे तो दूसरी तरफ आप अपने स्किल वाले कोर्स को यूज करके आगे बढ़ सको।
अब जो इस पॉलिसी है ना, उसके मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स बताता हूँ। सपोज करो, पहले क्या होता था, एक बच्चा है, उसके कुछ यार दोस्त उसको बोलते हैं चल यार इंजीनियरिंग में एडमिशन है। वो बच्चा जो था वो उनके बातों में आके इंजीनियरिंग में चला जाता है, एडमिशन ले लेता है, एक साल पढ़ता है, कुछ पेपर देता है, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। फिर वो यार बैठ के सोचता है यार मैं ये कहाँ फंस गया, मेरे तो बस का रोग ही नहीं है ये, मैं तो चला यहाँ से, चलो जाके मैं कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ। कुछ बच्चे 2 साल पढ़ लेते हैं, 2 साल के बाद उनको टफ लगती है, छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में बीएससी में एडमिशन लेते हैं, टफ लगती है, 2 साल पढ़ते हैं, नहीं कुछ हो पाता, 2 साल के बाद कहते हैं नहीं यार अब बीसीए कर लेते हैं, बी काम कर लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होता था, जहां पे पढ़ाई छोड़ी खत्म, फिर से न्यू एडमिशन लो, नए कोर्स में जाना है तो फिर से नए कोर्स में एडमिशन लो, 2 साल की इंजीनियरिंग करके पीएससी में आना है तो वहां पे एडमिशन को करो कैंसिल, कॉलेज में आओ शुरू से एडमिशन लो, वो 2 साल तो वेस्ट हो गया ना। जो बच्चा 2 सेमेस्टर पढ़ा है बीएससी में, अब बीसीए में जाना चाहता है, बी काम में जाना चाहता है, उसको तो फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा ना, वो 2 साल तो गए, उन 2 सालों में जो पढ़ाई की वो भी वेस्ट गई। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं होगा, आपका साल नहीं वेस्ट होगा, पढ़ाई इधर से उधर हो जाए, उधर से इधर हो जाए, कोई बात नहीं, सिस्टम चलता रहे। वो कैसे, इसमें एक टर्म यूज होगी, एसीबी, एकेडमिक क्रेडिट बैंक। अब क्रेडिट क्या होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट होते हैं, उसकी क्रेडिट वैल्यू होती है, जैसे 2, 4, 6, नहीं समझ में आता क्रेडिट आप समझ लो पॉइंट्स। ये पेपर पास किया 4 क्रेडिट का है, समझ लो 4 पॉइंट मिल गया, नहीं पास किया 0 पॉइंट, 6 क्रेडिट का है 6 मिल गया। चाहे वो पेपर 40% में पास करो और चाहे वो पेपर आप 80% में पास करो, वैल्यू 4 की 4 ही मिली। वो बात अलग है, जो 40 और 80% की वैल्यू वो सीजीपीए, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, उसमें काउंट की जाएगी, वो आज सीजीपीए स्कोर अलग होगा, क्रेडिट स्कोर अलग होगा। मान लो इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसके 4 क्रेडिट है, जिस बच्चे ने पास किया 4 क्रेडिट उसके उस बैंक में ऐड हो गए। इंजीनियरिंग में इंग्लिश है, आपने पास कर ली, वो छोड़ के आप बीएससी में आ गए, बीएससी में इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो जो 4 क्रेडिट है वहां से उठ के आपकी बीएससी में आ जाए, आपको कुछ ही कोर्स अलग से करके तो वो अपने 1 साल पे जा रहे हैं और अपनी स्टडी आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं होता था। बीएससी में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बीसीए में भी हैं, तो अगर बीएससी में पास कर लिए हैं तो बीसीए में करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से आपका वो साल जो है ना वेस्ट होने से बच जाएगा, वो पढ़ाई जो फिर से करने से बच जाओगे। पहले क्या होता था, सेमेस्टर सिस्टम से पहले जब ईयरली सिस्टम होता था, इंग्लिश जो मेन होती थी सभी सब्जेक्ट्स की, कोई बच्चा एक स्ट्रीम में इंग्लिश पढ़ता था, वो स्ट्रीम जब छोड़ता था दूसरी स्ट्रीम में आता था, तो वही सेम इंग्लिश फिर से पढ़नी पड़ती थी, सेम पेपर फिर से देने पड़ते। लेकिन अब नहीं है, पहली बार पास कर ली है, आपको क्रेडिट वैल्यू मिल गई है, वो हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्ट्रीम में आएंगे तो वो आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने। उससे क्या होगा, ईयर बच गया। सेकेंड चीज ये है, पहली बार के पहले सिस्टम में क्या होता था, जब तक पूरा कोर्स कंप्लीट ना हो ना, आपको डिग्री नहीं मिलती। आप बीएससी करने आए हो, 6 सेमेस्टर हैं, 6 सेमेस्टर के सभी पेपर पास करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको डिग्री मिलेगी। उस सिस्टम में क्या होता था कि 6 सेमेस्टर के सभी पेपर पास होंगे तो डिग्री मिलेगी, वरना डिग्री वहां की वहां ही रुकी।
और मैंने देखा है कि 10 साल, 10 10 साल लग जाते हैं बच्चों को वो एक पेपर शायद पास करते हैं। अगर आप भी अभी कभी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट निकल लेते हैं वो, तो उनकी गजट देखना, जो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर देखना, कोई 2012 का रजिस्ट्रेशन नंबर है, कोई 13 का रजिस्ट्रेशन नंबर, इतने साल शायद कोई कोई बच्चा एक एक सब्जेक्ट के लिए फंसा रहता है। पर डिग्री तभी मिलेगी जब पूरे सब्जेक्ट पास हो। 2 साल आपने सभी सब्जेक्ट पास कर लिए, तीसरे साल आपका एक सब्जेक्ट अगर रुक गया तो रुक गया। अगर उसको पास करने में 4 साल लग गए तो 4 साल तक वो आपको रुकना पड़ेगा, डिग्री तभी मिले। लेकिन जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसके अंदर क्या होगा कि भाई बंदे और बच्चे को कुछ ना कुछ दे के ही भेजो, खाली हाथ ना भेजो। बड़े सारे बच्चे इसीलिए ग्रेजुएशन या अपने कोर्सेज छोड़ देते हैं कि कभी कभी वो ऐसा फंस जाते हैं कि उनसे पास ही नहीं हो पाते, कंप्लीट ही नहीं हो पाते 4 4 5 5 साल, और फिर वो बीच में छोड़ के पढ़ाई चले जाते हैं। बड़े सारे रीजन से भी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है बच्चों को, कोई फिजिकली कंडीशन, कोई मेडिकली कंडीशन आ गई, कोई अपनी सोशली लेवल पे बच्चे को अपनी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको ने 2 साल पढ़ाई की और उसके बाद उसको शायद पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए, या कहीं बाहर चलना पड़ जाए, या कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या कहीं प्राइवेट जॉब लग जाए, बच्चा आधी पढ़ाई करे आधी छोड़ के जा रहा है, तो डिग्री तो नहीं ना कंप्लीट हुई। लेकिन इस पॉलिसी के अंडर आप कोई भी चीज अगर आधे रास्ते में भी छोड़ देते हो ना, तो कुछ ना कुछ आपको दे के ही भेजेंगे, खाली हाथ नहीं भेजने। अब वो क्या देंगे, अब ये सुनो, हर एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे। अगर दूसरा सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया और पढ़ाई छोड़ दी, सर्टिफिकेट मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तीसरा सेमेस्टर किया, चौथा किया, चौथे के बाद छोड़ दिया, डिप्लोमा मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी का वैलिड डिप्लोमा। डिप्लोमा 5वां सेमेस्टर किया, 6वां सेमेस्टर किया, पढ़ाई छोड़ दी, डिग्री मिल जाएगी। 7वां सेमेस्टर किया, 8वां सेमेस्टर किया, तो डिग्री विद रिसर्च हॉनर्स, जो भी कोर्स की कंडीशंस हुई वो मिल जाएगी। तो है ना आपके लिए बेनिफिट, जहां पे छोड़ के जाओगे कुछ ना कुछ लेके जाओगे। कंडीशन इसमें एक है, सेमेस्टर जो है इवन सेमेस्टर 2 4 6 8 वो पास करके, ये ना कि फर्स्ट सेमेस्टर पास किया तो कहोगी सर्टिफिकेट दो, वो नहीं। सेमेस्टर इवन होगा 2 4 6 8 और वो पास करने होंगे। डिप्लोमा लेना है तो 4 सेमेस्टर पास करने हैं, ये नहीं हो कि आपको भी 3 सेमेस्टर पास कर लिए तो डिप्लोमा दे दो। डिप्लोमे के लिए 4 सेमेस्टर, सर्टिफिकेट के लिए 2 सेमेस्टर, डिग्री के लिए 6 सेमेस्टर और हॉनर्स डिग्री के लिए 8 सेमेस्टर। टोटल इसकी ड्यूरेशन 4 साल की है। बच्चे बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। थर्ड जो ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल की होगी। भाई 4 साल की नहीं है, 3 साल की ही है, 3 की भी है और 4 की भी है, ये मानो। जरूरी नहीं है कि 4 के 4 साल ही पढ़ोगे तो ग्रेजुएशन मिलेगी। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, 2 4 6, 6 सेमेस्टर पास करोगे तो क्या मिलेगी, ग्रेजुएशन की डिग्री। तो ग्रेजुएशन की खाली अगर डिग्री लेनी है तो सिर्फ 6 सेमेस्टर पास करने, 3 साल पूरे पास करने, पास पूरे करने पड़ेंगे सब्जेक्ट। बट ये होगा कि बीच में छोड़ के जा रहे हो, कुछ ना कुछ लेके जा रहे, पहले ऐसे नहीं लेके जाते। अब 3 साल और 4 साल का मैं आपको फर्क समझाता हूं। 3 साल तक तो आपको ग्रेजुएशन मिले, चौथे साल में 6th सेमेस्टर में पास करने के बाद, जब आप 4th सेमेस्टर में जाओगे, जब 7th सेमेस्टर में जाओगे वो 4th ईयर होगा, ठीक है। वो हर एक बच्चा नहीं जा सकता, उसकी कुछ कंडीशंस रहे। जिनका CGPA 7.5, अब CGPA निकालने में अलग से बताऊंगा, वो आपके परसेंटेज कितने से में कितने मार्क्स आए उसके अकॉर्डिंग से निकलता है। और जिनका CGPA 7.5 से ज्यादा होगा ना, वो ही बच्चे 4th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर में जाएंगे, वरना डिग्री
मिल जाएगी और काल से अलविदा। 3 साल पहले भी ग्रेजुएशन थी, अब भी 3 साल की ग्रेजुएशन है। फोर्थ ईयर जो ऐड किया गया है वो हॉनर्स डिग्री के लिए, जहाँ हॉनर्स विद रिसर्च के लिए की। कुछ बच्चे हैं जिनके 7.5 से सीजीपीए ज्यादा आ जाता है, मान के चलो 75% से ज्यादा नंबर आ जाता है, वो फोर्थ ईयर में ऐड हो जाएंगे और वो कुछ रिसर्च करना चाहते हैं किसी एक टॉपिक पे, रिसर्च वर्क करना चाहते हैं। सपोज करो कोई पोल्यूशन पे रिसर्च करना चाहता है, कोई सोशल मीडिया पे ही रिसर्च करना चाहता है, कोई डिजिटल वर्ल्ड पे ही रिसर्च करना चाहता है, जो रिसर्च टॉपिक वो करना चाहता है। अगर उसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं और वो रिसर्च फील्ड अगर अपनी क्लियर कर जाते हैं, तो उनको डिग्री विथ रिसर्च मिलेगी और थ्रू दिस रिसर्च उनको आगे पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगी। पहले पीएचडी में एडमिशन कैसे होती थी? ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर पीएचडी। लेकिन अब क्या होगा? ग्रेजुएशन के बाद ही सीधा पीएचडी में, लेकिन उसके लिए आपको 7th और 8th सेमेस्टर में रिसर्च वर्क लेना होगा, रिसर्च वर्क कंप्लीट करना होगा और आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। तो ये भी आपके लिए कितना बेनिफिट है। जहां फिर आप पीजी करना चाहते हो, रिसर्च कर लिए, तो अगली पीजी कितने साल की होगी? सिर्फ 1 साल। ऐसे पीजी कितने साल की होती थी? मिनिमम 2 साल की, कुछ कोर्सेज में 3 साल की पीजी होती। अब पीजी कितने की होगी अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन की है 1 साल की? तो बात तो वही आ गई, अगर आप ग्रेजुएशन और पीजी करते 3 प्लस 2 5 साल, अगर आप इस तरह से चलते हो 4 प्लस 1 5 साल, टाइम उतना ही है, लेकिन आपका 1 साल सेफ हो जाएगा पीजी में। और सबसे बड़ी बेनिफिट की बात यह बता रहा हूं कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है विदाउट पीजी, लेकिन ये जो फोर्थ ईयर है इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मैंने बताया कि सीजीपीए 7.5 से ज्यादा ही होगा तो तभी जाओगे, नहीं तो आपको सिर्फ डिग्री देके कॉलेज से अलविदाई लेनी पड़ेगी। तो इससे ये बेनिफिट होने वाला है कि एक तो आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, दूसरा आप स्किल सीख रहे हो। हर एक सेमेस्टर में आपको कुछ स्किल के कोर्सेस मिलेंगे सीखने के लिए जो आप सीखना चाहते हैं। एक पढ़ाई वाला पार्ट, एक सीखने वाला पार्ट। पढ़ाई से अलग सीखना, सपोज मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मैं चाहता हूं यार कोई कंप्यूटर के वर्ग में हार्डवेयर का कोर्स चाहिए यार, कल को मेरे को पढ़ाई में नौकरी नहीं लगी तो कोई नहीं, अपनी दुकान खोल लूंगा कंप्यूटर आगे। उसके लिए क्या करना पड़ता था? अलग से कोर्स करना पड़ता था। अब आपकी उसी पढ़ाई के अंदर होगा स्किल का कोर्स, वहां पे जॉब नहीं लगी तो यहाँ पे शॉप खोल के बैठ जाना, दो चीजें एक साथ सीखोगे। और जहां पे पढ़ाई छोड़ी, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके जाओगे। खैर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रेजुएशन में आ रहे हो ना, तो ये सोच के नहीं आना कि मुझे सिर्फ सर्टिफिकेट ही लेना है या मुझे डिप्लोमा ही लेना है, डिग्री ही लेके जाना, क्योंकि डिग्री सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल हजारों गवर्नमेंट जॉब्स देख लो, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही रखी होती है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं रखा होता। ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट है आपके लिए कि आपने कोई स्किल का कोर्स सीख लिया है। सपोज किसी फैक्ट्री में जॉब करने जा रहे हो, तो ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट नहीं तो आपको तो 12th पास ही लेने जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक डिग्री, आपको जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कल को यहाँ बोलोगे हाँ भाई मेरे पास तो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है। ये बस उन्हीं चीज़ों के लिए इनकी वैल्यू है, गवर्नमेंट जॉब में ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमे की कोई इतनी वैल्यू नहीं आती। डिग्री की फिर वैल्यू है क्योंकि फॉर्म तो फिल कर पाओगे ना आगे, तो जॉब तो एंट्रेंस टेस्ट पे लगनी है, पहले फॉर्म तो फिल करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए ना। तो आप ये चीजें आपको मिल तो रही है, लेकिन ये चीजें आपने सोचनी नहीं है कि मुझे बस यही करना है, उससे आगे कुछ नहीं करना। ये एक बेनिफिट है इस पॉलिसी के अंदर। अब मैं आपको इसका एक और बेनिफिट बताता हूं। आपको रोज रोज कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। कुछ कोर्सेज आप कॉलेज जाके करोगे और कुछ कोर्सेज आप घर बैठ के ऑनलाइन करोगे।
मूक के गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं। तो कुछ पढ़ाई आपको कॉलेज जाके करनी है और कुछ पढ़ाई आपको घर बैठ के करनी है, ये एक अनदर बेनिफिट है। और उसके पेपर भी ऑनलाइन होंगे, बट वो कोरोना वाले ऑनलाइन नहीं होंगे कि पेपर घर में आ जाएगा और लिख के देने, तो सेंटर पे जाके देना है बट ऑनलाइन देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो जो आप क्रेडिट्स लोगे ना एक कोर्स में, जितने आपको सपोज करो 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में 2 आपके पढ़ने वाले हैं, 2 आपके स्किल वाले हैं, 1 आपको जो है खुद करना है, तो अगर वो कोर्स आपको ऑनलाइन मिलता है तो आप ऑनलाइन करोगे, पेपर ऑनलाइन दोगे। अगर आपके कॉलेज में नहीं है, कहीं और जाके करना है, तो कहीं और जाके करो। एक जगह की बंदिश जो है ना वो भी खत्म होगी। आपको क्रेडिट लानी है, आपको एक कोर्स में 20 क्रेडिट है, आपको 20 क्रेडिट बनाने हैं कैसे? अगर आपको लगता है उस वो ऑनलाइन कोर्स है उसके 4 क्रेडिट, आप वो वाला सब्जेक्ट ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पेपर दो और उस चको 500 का 4 क्रेडिट ला दोगे, आपके जो एकेडमिक क्रेडिट बैंक है उसमें वो ऐड हो जाएंगे, तो आप आगे चल बढ़ पाओगे। तो इसमें ये एक बेनिफिट है कि कुछ पढ़ाई घर बैठ के होगी, कुछ पढ़ाई कॉलेज में होगी, कुछ पढ़ाई ऑनलाइन हो जाएगी, और कुछ पढ़ाई अगर आप कॉलेज से बाहर कहीं और जाके करना चाहते तो वहां पे भी हो जाए। तो आपको हर एक एंगल से बेनिफिट ही है। पढ़ाई जो है आप बहुत ज्यादा आसान है, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेना बहुत आसान है, 40% पढ़ाई आपकी ऑनलाइन होगी, पेपर ऑनलाइन होंगे, बाकी पढ़ाई आपकी कॉलेज में होगी, पेपर कॉलेजेस में होंगे। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग क्रेडिट है और उसको हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होगा। वो पहले स्कूल वाला सिस्टम नहीं होगा कि आज फर्स्ट पीरियड है तो ये पढ़ना, सेकंड में ये पढ़ना, थर्ड में ये पढ़ना, पूरा साल यही पढ़ते आओगे। इसी तरह से आपका अपना ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मुझे कॉलेज में पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मुझे बाहर जाके पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मेरा स्किल का है, ये मुझे वहां जाके करना है। हर एक के अलग अलग पार्ट होंगे और अलग अलग जगह जाके आप वो करोगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बेनिफिट्स जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा और भी ज्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो टाइम टू टाइम आपके सामने आएंगे, आज ही जानने की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी मेन मेन बातें ये हैं जो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि 4 साल की ग्रेजुएशन सिस्टम में 3 साल की ग्रेजुएशन है, चौथे साल का जो ऑनर्स जहाँ रिसर्च का कोर्स है, पहले साल करोगे सर्टिफिकेट लोगे, दूसरा साल करोगे डिप्लोमा, तीसरा साल करोगे डिग्री और चौथा साल करोगे रिसर्च डिग्री मिलेगी। 4 साल के बाद पीएचडी भी कर सकते हो, एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी कुछ पढ़ाई घर बैठ के होगी, कुछ पढ़ाई ऑनलाइन होगी, कुछ पढ़ाई आपको बाहर जाके होगी, जैसे वो करना चाहोगे वैसे कर पाओगे। इसके अलावा साल कोई वेस्ट नहीं होने वाला, एक स्ट्रीम छोड़ के दूसरी स्ट्रीम में आओगे तब तो भी साल नहीं वेस्ट होने वाला, पढ़ाई बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो ये मोटी मोटी बातें थी, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इस चैनल पे आ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे हर वो एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको शायद आपके कॉलेज की फैकल्टी भी आपको इतना ही बता पाएगी। तो ये तो हमारी आज की वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो में जम्मू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स का पैटर्न है वो आपको बताऊंगा, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन से स्किल के सब्जेक्ट होंगे, कहाँ पे आपको जाके हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, कहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, और कहाँ पे जाके साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स भी पढ़ सकता है, और साइंस का स्टूडेंट आर्ट्स भी, और आर्ट्स का स्टूडेंट कंप्यूटर भी और कॉमर्स भी, सभी कुछ पढ़ सकते हो एक ही कोर्स के अंदर एक ही साल में। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड कर लूंगा। आज की वीडियो में इतना ही है आपके लिए, लाइक शेयर कर लीजिएगा, और जो आप आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिखा दीजिए और उनको भी बता दीजिए कि ये जो होने वाला है अगले 4 सालों में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।